हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए और आपको मैं इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरे 7-7 इंच का पीस है, 7 इंच की लंबाई, 7 इंच की चौड़ाई। ये मेरे 8 इंच का पीस है, जो 8 इंच की इसकी लंबाई, 8 इंच की इसकी चौड़ाई। ये मेरे 3-3 इंच के पीस है, जो 3-3 है इसकी, 3 पीस है, ये 3 पीस है, 3-3 इंच के। और ये इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और हमें बीच में से एक स्केल की मदद से लाइन लगानी है। लाइन लगा के मुझे ये डबल शेड के पीस चाहिए, तो मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ फ्रेंड, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एक पीस है जो मैंने डबल शेड का बना लिया है। तो ये मेरा 3-3 इंच का मैंने पीस काटा था, उसमें से कट करके ये मेरा 2.5 इंच का अब तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको इसके लाइन लगा के बता देती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको सिल के बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन लगा ली है, तो आप बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में सिलाई कीजिए और सिलने के बाद बीच में से कट कीजिए। तो मैं आपको सिल के कट के करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिल लिए हैं, कट कर लिए। ये मेरा 2.5 इंच का मैंने पीस नाप लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिज़ाइन बनाएंगे। इस पीस को मैं साइड कर लेती हूँ। तो देखिए ये फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। आप चाहे तो डिज़ाइन बना लीजिए, वरना इस टाइप का कपड़ा ले लीजिए। ये देखिए, मैंने पटिया पटिया जोड़कर ये डिज़ाइन बनाया है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इस डिज़ाइन को सेट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इनको बारी बारी सिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इसको यहाँ से सिलेंगे और फिर पलट देंगे। इसको भी हम ऐसे पलटेंगे, यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। और इस पीस को भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। ये मेरे 3 पीस हैं, ये भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे, और यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। तो मैं इनको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस सिल गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इस पीस को लेंगे, यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर रख के सिलाई करके पलट देंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम इस पीस को यहाँ जोड़ से जोड़ मिला के इस वाले जोड़ से यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। तो हम आपको सिल के दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिल लिया है और मेरा ये पीस तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इस पीस को लेंगे, जो मेरा 8-8 इंच का पीस था। अब हम बीच में से एक लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको कट करेंगे। तो ये हमारी लाइन लग गई है, अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कट हो गया। अब इस पीस को हम यहाँ रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिछा लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको बारी बारी सिलेंगे। तो बीच का हिस्सा बिल्कुल सेंटर में अपना फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम ये हिस्सा ले लेंगे, चाहे हम कोई सा भी लें। मैं पहले ये ले रही हूँ, जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कोने इतने इतने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, उसको पलटेंगे। तो मैं इसको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हिस्सा मैंने सिल लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाला हिस्सा लेंगे। अब इसको भी हम इसके कोने साइड में निकाल देंगे। कोने फ्रेंड्स बराबर रखना। अब हम यहाँ सिलाई लगा के इसको भी पलट देंगे। तो हम इसको सिल के दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हिस्सा भी सिल गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको रखेंगे, अब हम इसको रख के सिलेंगे और पलट देंगे। फिर हम इसको भी ऐसे रखेंगे, यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो मैं आपको सिल के तैयार करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। जो भी ये पीस जो थोड़ा एक्स्ट्रा था, वो हमने सीधा लाइनिंग लगा के उसको कट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा पीस तैयार है, कंप्लीट है। आप यहाँ इस मछली की आँख बनाइए तो ये अलग से पीस दिखाई देगा। थोड़ा सा यहाँ कलर कर लीजिए, या फिर तो धागे की कढ़ाई से आँख बना लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से मुँह बना लीजिए। तो देखिए मेरा फ्रेंड्स, ये मछली वाला पीस कितना प्यारा लग रहा है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।